जी एनीवे अच्छा, करें चलिए आप। मुस्लिम जी से बात कर लेते हैं। जी मुस्लिम साहब, इस्तकबाल है आपका, आदाब। बहुत शुक्रिया समीर साहिल भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ सर। कैसे हैं आप और किस किस जगह से आपका ताल्लुक है, किस मसलक से ताल्लुक है? बेसिकली मैं पाकिस्तान से ताल्लुक है मेरा, पेशावर से। अभी फिलहाल आप और पाकिस्तान में ही है? नहीं, राइट नाउ मैं दोहा में हूँ, मिडिल ईस्ट में, गल्फ में। ठीक है। नहीं, मैं तो सवाल काफी टाइम इसलिए से। किया जी, जी मैं जी सवाल बोल। इसलिए हाँ मैं सवाल इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान में चैनल बैन कर दिया गया है मेरा, तो वही मुझे जानना था हाँ, कि इसके वो बावजूद लेडी भी अभी लोग देख बता रही सकते थी, हैं। तो मैं खुद एक्चुअली हूँ नहीं पाकिस्तान में, तो वो लेडी बता रही थी, तो उनके वजह से वो मुझे भी पता चला है। लेकिन आई डोंट नो कि वहाँ पे बैन है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओपन है। तो मैं काफी टाइम से आपका चैनल जो है मैं देखता रहता हूँ, और जी काफी टाइम से मैंने ज्वाइन होने की कोशिश की, आज थोड़ा मौका मिला है, तो जी अल्लाह से बहुत दुआ है शुक्रिया कि सर जो कोशिश है कामयाब हो जाए। जी। किस मसलक से ताल्लुक है आपका? सर हम तो है तो वो मुस्लिम ही, लेकिन बाकी लोग हमें देवबंदी कहते हैं, हमें नहीं पता क्यों कहते हैं, सर बहुत लेकिन मेरा मेरा दिल आपने खुश कर दिया क्योंकि हमेशा मेरी चाहत होती है कि स्ट्रीम में कोई बरेलवी आए, कोई देवबंदी आए, कोई अहले हदीस आए, लेकिन अच्छा अक्सर अक्सर हजरात जो जो मोमिन आते हैं वो सब अहले चॉइस वाले होते हैं, और अहले चॉइस वालों का अच्छा एक अलग लेवल का ही इस्लाम है। नहीं, ये ऐसी वैसी बात नहीं है। मैं बेसिकली हनफी हूँ, जो इस्लाम में जी चार सेक्ट्स हैं, आपको पता है। मेन जी जी पता है। बाकी ये नीचे छोटे मोटे हैं, इनको मैं खातिर मैं नहीं लाता, और ना ये काउंट होते हैं। जो बेसिक चार हैं वो चार ही हैं। तो हनफी हूँ मैं और मुस्लिम हूँ, ठीक बेसिक है ये है मेरा। चलिए जी चलिए चलिए। और मुझे लग रहा है कि आप काफी पढ़े लिखे भी हैं, दोहा में आप नौकरी करते होंगे, तो उम्मीद है कि आपकी बातें भी जरा ऐसी होगी कि सेंस बनाएगी। कोशिश कोशिश है, कोशिश है, इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि कोई बात आपके पल्ले पड़ जाए, अल्लाह से जी जी दुआ है। चलिए चलिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जी अल्लाह की जगह पे अगर आप होते और आपको पता होता, यानी आपके पास ये ऑप्शन होता कि मैं ऐसा इंसान बनाऊं जिसमें बुराई की सिफत ही मैं नहीं डालूं, उससे सिर्फ अच्छे काम हो, ठीक है? तो ठीक है। आप क्या करते, इंसान ऐसा बनाते जिसमें बुराई की सिफत ना हो, या आप ऐसा इंसान बनाते जिस तरीके की का इंसान अल्लाह ने बनाया? क्योंकि अगर आप मेरे से ये सवाल करें, ताहिर भाई से करें, जी जी आमना जी से करें, समीर भाई से करें, तो वो सब जवाब देंगे कि हम तो ऐसे इंसान बनाएंगे जो जिसके अंदर वो बुराई की सिफत नहीं डाले और वो आगे जाकर किसी बच्ची का रेप ना करे। आप क्या करते हैं उसके ठीक खिलाफ? है। देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, अगर आप मुझे टाइम देंगे बोलने का, क्योंकि इसका इसमें जवाब बात आ देकर जा। जाइए, जी, इसका इंशाल्लाह जवाब इंशाल्लाह। इसके लिए थोड़ा सा मुझे बेस थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही मुस्लिम रह सुनिए चुके हैं, ना तो आप। मुस्लिम जी, मैं क्या बोल जी रहा हूँ, बोलिए। आप अपना तफसील से आप जवाब दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से ठीक है। हमने सीधा सीधा जवाब दिया है उस तरीके से पहले आप दीजिए तो सही कि आप किस कैसा इंसान बनाते, बिना बुराई देखिए, वाला बनाते हैं मैं या नहीं बुराई वाला मैं बनाते इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हमें मुसलमान जो है, बेसिकली हमारा अकीदा होता है कि हम मखलूक हैं, हम खालिक नहीं है। हैं? तो जो खालिक है, हम खालिक की हैसियत से सोच ही नहीं सकते। सबसे पहली बात यह है, हम उस लेकिन हैसियत से सोच ही नहीं सकते। खालिक के मुकदमा लड़ने के लिए आप खुद आ सकते हैं खालिक के लिए, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। देखिए, मैं खालिक का मुकदमा लड़ने की भी हैसियत नहीं है मेरी, ठीक है ना, तो क्या क्योंकि करने वो आए अपनी आप? हिफाजत जानता है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों के डिस्कशन में शामिल होना चाहता हूँ, कि जो आप लोग सोचते हैं और जिस तरीके से सोचते हैं, मैं उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ। मेरे हिसाब से आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी चेंज होनी चाहिए। अगर आपको डाउट्स हैं इस्लाम के बारे में, अगर आपको डाउट्स हैं किसी भी एक्ट के बारे में, किसी बंदे के बारे में, तो देखिए, ह्यूमन बिहेवियर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं है कि रेप से हैं या जो भी मर्डर्स हैं या कोई भी ऐसे गंदे काम है, वो सिर्फ इस्लाम के अंदर तो नहीं है या मुसलमानों के अंदर तो नहीं है, पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने, देखिए अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है, 6 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, इंसान को बनाया, इंसान को इख्तियार दिया दुनिया में, इंसान को अपना नायब जो होता है ना, अपना खलीफा बनाकर भेजा, और उसको ये इख्तियार दिया कि तुम्हारे साथ एक एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक जो पॉजिटिव वे है, एक नेगेटिव वे है, ठीक है ना। अब तुम
अल्लाह ने इंसान को ऑप्शन दिया है कि आप उसमें जाओ अपनी जो मर्जी का, अपनी लॉजिक के हिसाब से और मेरे अहकामात के हिसाब से अपनी जिंदगी में अच्छाई का रास्ता चुनो, और जो मैंने जन्नत तुम्हारे लिए बनाई है वहां पे आ जाओ, ठीक है। साथ में उसमें ये मादा भी डाल दिया है, क्या मिलेगा अल्लाह को, अल्लाह को दुनिया बनाने का मकसद मिल जाएगा। क्या अल्लाह ने मकसद? दुनिया बनाई क्यों है फिर? अल्लाह ने दुनिया वही बनाई ही क्यों है? अगर देखें, अल्लाह ने दुनिया बनाई ही इसीलिए है कि इंसान उसमें आएगा, इंसान उसमें अपने ढूंढने का, अल्लाह को पहचानना, सबसे अल्लाह के इंसान के बनाने का मकसद है कि वो अल्लाह को जाने कि अल्लाह कौन है, क्यों ठीक है ना। पहचान, हम मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, क्यों जी अल्लाह अपने आप को पहचानवा, कैसा बोलेंगे इसको, मतलब क्यों क्यों वो अल्लाह चाहता है कि लोग उसको पहचाने? क्या उसको अल्लाह जाने, अल्लाह बिकॉज एक ही एक क्या एक ठीक मिनट है। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। जी क्या जी बोलिए। अल्लाह इस बात का मोहताज है कि लोगों को उसको जानने की जरूरत पड़े? नहीं, उसके लिए आप मोहताज का लफ्ज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैं कुछ नहीं मोहताजी कर की सकता हूं, सिफत है। आप उसका जवाब दीजिए प्लीज, उसको नहीं, गलत साबित मैं करिए। सिर्फ नहीं नहीं मैं आप मैं एग्जैक्टली आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं एज ए जनरल कह रहा हूँ कि कोई भी अल्लाह के लिए मोहताज का वर्ड यूज नहीं हम कर सकते, क्योंकि ये मोहताजी की जो सिफत है ये मखलूक के लिए है। खालिक इन चीजों से पाक है, ना वो मोहताज है ना तो उसको क्यों चाहता जरूरत है वो है। लोग उसको जाने, क्यों बिकॉज चाहता है ही वो लोग इज द उसको जाने? सुप्रीम, क्योंकि वो सुप्रीम है, ठीक नहीं, है। अगर पूरी अगर लोग अल्लाह को नहीं जानते तो उसकी सुप्रीमिटी में या सुप्रीमेसी में कुछ फर्क पड़ जाएगा, कम हो जाएगा? देखें, उसके लिए इस्लाम में एक चैप्टर है अपना सेपरेटली, पहले उसको आप वो समझना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि अल्लाह जो है हमारा खालिक, उसके दो डायमेंशंस हैं, एक उसकी जात है, एक उसके सिफात हैं, ठीक है ना। ठीक है, जात के हवाले से हमारे पास वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उसमें नहीं जा सकते, हम अल्लाह की जात के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते, हमारे पास क्यों ये नहीं पूछ राइट सकते, नहीं क्यों है। क्यों? क्योंकि वो नहीं है? खालिक है, वो खालिक है। जब हम जान ही लेंगे तो फिर उसके खालिक होने का क्या मकसद रह जाएगा? वो खालिक है, हम उन नहीं जान सकते, हम ये नहीं पूछ सकते उसकी जात के बारे में कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। ये इस टाइप के सवाल जो गैर मुस्लिम उठाते हैं हमारे, हमें सिर्फ लेट डाउन करने के लिए, हम मुस्लिम्स के पास इस चीज का ऑप्शन है ही नहीं, अच्छा, मतलब ठीक है। आप लोगों के पास इन सवालात का जो अल्लाह पे उठता है जात के बारे इसके, में, हम अल्लाह की जात के बारे में हम नहीं पूछ सकते, हम उसके मैं बारे में वही कह सवाल रहा नहीं हूं, कर सकते। अरे जी जनाब मैं वही कह रहा हूं ना कि आप ना सवाल कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल करता है कोई अकलमंद इंसान तो आपके पास उसका जी जवाब भी नहीं है। हम उसको सिफात, अल्लाह की सिफात के जरिए से उसका जवाब हम दे सकते हैं, अच्छा, अल्लाह दे की जात सकते हैं के ना आप हवाले से जवाब? हम नहीं दे सकते, अल्लाह की सिफात के हवाले से दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, तो अब ये जो सवाल जो अल्लाह पे आया है कि जी चूंकि बुराई का क्रिएटर खुद अल्लाह है तो बिल्कुल है। हमारे हिसाब से, हाँ चलिए सब लोग सुन रहे हैं, बुराई का क्रिएटर जो है वो अल्लाह है, आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, जो बुराई का क्रिएटर होता है और उसके जरिए से जो बुराई हो, तो अकल ये कहती है और इंसाफ ये कहता है कि बुराई फैलाने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। वो खालिक के लिए ये शर्त नहीं है, क्यों नहीं है? ये जो बुराई इंसाफ की तो बात बुराई आप कह है, रहे हैं ना, बुराई 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 तो है, बुराई लेकिन है। उस बुराई को बनाने का जो मकसद है ना, वो अच्छाई की पहचान है। अगर बुराई होती ही नहीं, लोगों किसको को कैसे पहचान? पता अल्लाह चलता कि को नहीं, अच्छाई क्या है? लोगों, भाई लोगों को क्यों पता करना है? लोगों को अच्छा ही चाहिए, ये कौन लोगों को बताएगा कि पता लोगों करना को है। अच्छा? आपके जहन में, एक मिनट, मेरा सवाल है आपसे, जी आपके जी जहन में अच्छाई और ये बुराई का जो डिफरेंस है कि ये अच्छाई हाँ, है ये बुराई है, ये कहां से आया है? हमारी अकल है, अकल से अकल हमको है, लग, अकल एक मिनट कहां से मिनट आई है आपके मैं, पास? एक भाई एक मिनट एक मिनट, मिसाल के तौर पे मुझे ये जी बताइए कि अगर आपका अल्लाह नहीं बताए तो क्या आपको किसी का रेप होना ये बुराई लगता है या नहीं लगता? अल्लाह ने हमें बताया है तो हमें बुरा लग रहा है। यार कहां से बताया है आपके पास? कंप्यूटर से कुछ चीज बताई है क्या अल्लाह ने? अल्लाह ने अपने दीन के जरिए, अपने अपने नबी के जरिए हम तक जो अच्छा, मजहब जो जितने, पहुंचा। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, यानी जितने लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं क्या उनको नहीं पता है कि रेप गलत चीज है? उन तक भी जो पहले जो रिलीजन्स थे
जो प्रॉफिट्स आए हैं सारी दुनिया में उनके जरिए ही ये बातें हम तक पहुंची हैं। नहीं, जितने नबी अल्लाह ने भेजे हैं, जितने नबी, एक मिनट, जो जो जंगलों में रहते हैं जिन तक कोई रिलीजन नहीं पहुंचा है, आपको क्या लगता है उनके वहां भी रेप होता है नहीं होता है? वो रेप को गलत बारे में क्यों नहीं समझते होंगे? अगर उनमें थोड़ी सी भी सेंस होगी, अगर वो थोड़े बहुत घूमे, सेंस से इंसान को पता चलता है, एटलीस्ट अगर कोई रेप हो रहा है तो आपको उसमें रिलीजन की जरूरत ही नहीं है, आपको तो आपकी इंसानियत ही बताएगी कि ये गलत चीज है। बिल्कुल 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 ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जो है खाना खाते हो या गू खाते हो? खाना ही खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गू क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि अल्लाह ने मना किया इसके लिए नहीं खाते? वो गंदगी है। नहीं, अकल भी। एक मिनट, सवाल अच्छे से सुनिए। आप इसलिए नहीं खाते हो क्योंकि आपको अल्लाह ने बताया है ये गंदी चीज है, या नहीं बताने पर भी आप नहीं खाते हो? दोनों पॉइंट्स हैं, हमें खुद भी पता है इस बात का कि वो गंदगी है, अल्लाह ने भी मना किया है। तो अल्लाह के मोहताज नहीं है ना, अगर अल्लाह ये नहीं भी बताता तो भी आप गू नहीं खाते? इसमें मोहताजी वाली बात नहीं आ सकती। हाँ, मोहताजी वाली बात नहीं आ सकती, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें थोड़ी सेंस है, इंसान में खुद कॉमन सेंस होती है, अल्लाह ने डाली है। अच्छा और बुरा है, यार अल्लाह ने डाली है ये मत बोलिए। तो ये बात, ये तो बोलना पड़ेगा, ये तो आप जितने भी कहें साहिल भाई, ये तो है, इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। भाई भाई भाई, आप अपने लिए बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको जनरलाइज। हां तो मैंने जनाब, मैं अपने लिए बोला मैंने जी। अच्छा ठीक है, चलिए। तो इससे इतना तो साबित हो गया है कि हमारे जो मुस्लिम भाई है, मुस्लिम 009 साहब, के अकल से, हाँ, जरूरी नहीं कि दीन एक इंसान के पास हो तब उसको समझ में आएगा कि ये चीज गलत है, उसकी अकल से भी समझ में आता है कि ये चीज गलत है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है जी। अब आते हैं हम असली पॉइंट की तरफ, कि जो बुराई का क्रिएटर होता है, ठीक है, जो बुराई का क्रिएटर होता है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि एक उसके जरिए से बुराई हो रही है। तो अल्लाह क्योंकि बुराई का क्रिएटर है, इस वजह से अल्लाह को भी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपका ये सवाल है? बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल ये जायज सवाल है। ठीक है, हाँ देखिए, सबसे पहले अच्छा आप बोलिए। ठीक है, हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मैं अल्लाह होता, मैं क्रिएटर होता, और अगर मैं एक अच्छा क्रिएटर होता, तो मैं कभी ऐसी मखलूक नहीं बनाता जो किसी का रेप करे, किसी को कत्ल कर दे, नहीं बनाता। ठीक है, और आप भी अगर अल्लाह की जगह पे होते तो आप भी नहीं बनाते, ये मुझे 100% मालूम है। जी, सबसे ये है कि आपको डिफेंड करने के लिए, अल्लाह को डिफेंड करने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं बोलना पड़ेगा, क्यों बोलना पड़ेगा, झूठ क्यों बोलना पड़ेगा? देखें, मेरा यहाँ आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपको अच्छाई और जो जो बुराई है, ठीक है ना, वो किसने बताई है? अभी हमने देखा ना यार, अकल से हम समझ सकते हैं, अकल से आप समझ सकते हैं। देखें, आपने, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आप लोगों के बीच में घूमते हैं, फिरते हैं, आप चीजें देखते हैं। अब आप अफ्रीका के जंगलों की एग्जांपल देंगे, ठीक है ना, वो एक रेयर केस है, ठीक है ना, वो एक स्पेसिफिक एरिया है, वो एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है ना। अब आप जो कॉमन लोग जो भी आर्गुमेंट देते हैं, जो भी दलील देते हैं, वो मेजोरिटी के हिसाब से देते हैं, वो माइनॉरिटी के हिसाब से नहीं देते, ठीक है। ये दुनिया का उसूल है, पूरी दुनिया में जो मेजोरिटी का होता है लोग उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर दुनिया में बुराई होती ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलता है कि जो अच्छाई है वो ऐसी होती है और जो बुराई है वो ऐसी होती है? अगर अच्छा, वो बुराई होती ही नहीं तो अच्छाई, देखिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री दिया जो भी थी, एक मिनट बोलने दीजिए मुझे साहिल भाई। अच्छा, कंप्लीट कर लेने दीजिए मुस्लिम साहब को, थोड़ा शॉर्ट में पॉइंट रखिए आप। जी जी, मैंने एक जगह पे देखा था कि एक वीडियो सी थी शायद, छोटी सी, तो उसमें वो टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि लाइट क्या है, तो वो कहता है कि डार्कनेस का जो जहां पर डार्कनेस अपोजिट है, फिर कहता है कि वो बीमारी क्या है, तो कहता है कि वो हेल्थ का अपोजिट है।
ठीक है ना, अगर बीमारी होती ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलता कि हेल्थ इम्पोर्टेंट है या हेल्थ क्या होती है। अगर यहाँ पे दुनिया में वो बुराई होती ही नहीं तो फिर अच्छाई का हमें नहीं पता चलता। सारी जिंदगी इंसान एक एक एक, एक जानवरों के हिसाब से वो ये घूम रहा होता, ठीक है ना, अच्छाई और जी जी हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा मैं इस पे जवाब दूंगा, ताहिर भाई को कुछ ऐड करना फिर मैं अपनी बात। हाँ जी वो ताहिर भाई बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि सपोज अगर मैं कहीं पर ड्रग्स की खेती करता हूँ और कुछ लोग वहां से ड्रग्स को ले जा करके ड्रग्स का नशा करते हैं, तो पुलिस जो है उनको भी पकड़ेगी और मुझे भी पकड़ेगी, और जब जी वो मुझे पकड़ेगी तो मुझे वो ज्यादा जिम्मेदार मानेगी क्योंकि मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक जी बुराई जी को बना रहा हूँ, और जो यूजर है वो फिर भी कम कम गुनहगार माना जाएगा। तो इस बिल्कुल हिसाब से अब सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये पता चले कि ड्रग्स कैसा होता है और कुछ लोग ना इस्तेमाल करें तो उनको पता चले कि नहीं ड्रग्स ऐसा नहीं होता है, इसके चक्कर में मैं ड्रग्स को अगर क्रिएट करता हूं तो भी हर हाल में मैं मतलब मेरे ऊपर इल्जाम आएगा और हर हाल में मैं गुनहगार माना जाऊंगा। हाँ मतलब ये बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट रखा है ताहिर भाई कि जी जी हमारे बिल्कुल सही है। मुस्लिम, हाँ मुस्लिम साहब की लॉजिक के हिसाब से एक आदमी को चूंकि ड्रग कैसा होता है और वो ड्रग नुकसानदायक होता है ये पता करने के लिए ड्रग की खेती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रग ही नहीं रहेगा तो कि लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि ड्रग के एग्जाम्पल। जी बिल्कुल जी बिल्कुल 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 एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपकी बिल्कुल ठीक है ताहिर भाई, आपकी बात सही है। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पे आता है कि मैं आप साहिल भाई जितने भी हम लोग हैं हम सब मखलूक हैं, हमारे पास इस सवाल का या इस पॉइंट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि हम अपने क्रिएटर के बारे में सोचें और इस तरह के आर्गुमेंट्स उठाएं। क्यों नहीं उठाए भाई, इस हिसाब से तो आपका अल्लाह जो है एक अच्छा खालिक है कायनात साबित ही नहीं हो रहा है, क्यों क्यों सवाल नहीं देखिए देखिए हमें अच्छा और उसके अच्छा और ये बुरा होने के लिए सबसे पहले तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं है कि हम ये आर्गुमेंट उठाएं कि यार वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना। अरे सबसे यार पहले नहीं, सर मेरी एक बात है, सर मेरी एक बात है कि कुरान में एक अल्फाज आता है सूरे रहमान में, अल रहमान अल्लमल कुरान, यानी कि कुरान को सिखाने वाला टीच करने वाला, अल्लमा के लफ्ज है वहां पर, कुरान का इल्म देने वाला जो है वो रहमान है और रहमान अल्लाह है, यानी अल्लाह हमें सिखाता है हर चीज जो है। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक में भी आपने पढ़ा होगा कि उसी ने जो है इल्म सिखाया है इंसानों को, बिल्कुल तो बिल्कुल वो हमारा टीचर है, तो वो कोई अच्छा टीचर नहीं कहलाएगा। अगर मैं किसी स्कूल में किसी टीचर के साथ में बात कर रहा हूँ और मैं उस पर एतराज ना करूं, मैं उससे सवाल ना करूं, तो वो टीचर कभी भी कोई अच्छा टीचर नहीं कहलाएगा। तो इस हिसाब से जब अल्लाह हमारा टीचर है तो हमें पूरा हक है कि हम उससे सवाल करें, जो उसने हमें अकल दिया है और हमें अपने अकल का इस्तेमाल करके ये बात पता चला कि यहाँ पर अल्लाह के साथ परेशानी है, यहाँ पर अल्लाह जो है वो गलत कर रहा है, उसने गलत रवैया अख्तियार किया है, तो हम उससे सवाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा मैं अच्छा इसको थोड़ा सा आगे तो लेके एक जाते एक हैं। मिनट एक मिनट। अच्छा फिर यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल ये बनता है, आपने टीचर की जी एग्जांपल दी, आप एक क्लास में बैठे हैं फॉर एग्जांपल आपकी जो केमिस्ट्री का आपका लेक्चर हो रहा है और आपका टीचर आपकी क्लास में ही सिगरेट लगा दे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो बुरा काम है, आप उससे जाके उठ के पूछेंगे ठीक है ना कि आप कि सर आप ये ठीक नहीं कर रहे क्योंकि आप हमारे टीचर हैं, हम ये हक रखते हैं आपसे पूछने का। अगर यहाँ पे मैं आपकी बात फॉर एग्जाम्पल मान भी लूं, अल्लाह से पूछेंगे कैसे आप? लेकिन देखिए हम देखो देखो अभी अभी साहिल भाई आप दे रहे हैं क्या जवाब? नहीं आप दे दो फिर मैं उस पे ऐड कर देता हूँ, दे दो आप। देखिए यहाँ पर तो हम इस स्ट्रीम में अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, हम मोमिन भाइयों से सवाल तो कर रहे हैं कि क्या ये हमारा सवाल फिर वाजिब है या नहीं नहीं। नहीं वाजिब नहीं है। मैं आप कैसे आप ये आप बताए ना, हम तो अल्लाह से जब हम अल्लाह से मिलेंगे तो हम पूछ लेंगे, हम अभी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारा सवाल वाजिब है कि नहीं। यही पे डिफरेंस आ जाता है खालिक का, जो वर्ड आता है ना खालिक हर जगह पे यूज होता है वो यहीं पे आके रुक जाता है, फुल स्टॉप यहीं पे लग जाता है। आप लोग जिस डोमेन में रह के बात आप कर रहे हैं, आप इंसानों के डोमेन में रह के बातें कर रहे हैं आप, ठीक है ना, आप उस लेवल तक जा ही नहीं सकते कि वो खालिक। देखिए यहाँ पे लॉजिकली यही सवाल है। एक मिनट सर 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 एक चीज
अल्लाह ने 50 वक्त का नमाज दिया था, यानी अल्लाह का डोमेन था 50 वक्त का, लेकिन मूसा को पता था कि 50 वक्त का नमाज जो है वो नहीं कर पाएंगे, यानी मूसा का डोमेन जो था वो अल्लाह से ज्यादा बेहतर था, तो मूसा ने उसको रिड्यूस करवा के 5 वक्त का करवा दिया। ठीक है, यानी बिल्कुल बिल्कुल यही हदीस है, ये हदीस है सर, सही बुखारी की हदीस है। मुझे पता है ऐसा ही हुआ है, मुझे पता है सर जी ऐसा ही हुआ है, लेकिन आपने जो आर्गुमेंट उठाया है कि मूसा का डोमेन अल्लाह से ऊपर, ये गलत है। मूसा ने अपनी कौम को देख के बोला था कि अल्लाह ने मेरी कौम के ऊपर 50 नमाजें रखी थी, अल्लाह को नहीं उसको पढ़ सकते, अल्लाह को नहीं पता था मूसा के कौम के बारे में। क्या मतलब है इस बात का, अल्लाह को मूसा की कौम के बारे में? आप समझ गए? नहीं, मुझे जरा एक्सप्लेन कीजिए। ये देखें साहिल भाई, हंसने से कुछ नहीं होगा, आप मुझे ये बताइए कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग इज कि आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो आपने पॉइंट रेज किया है कि अल्लाह को मूसा की डोमेन का नहीं पता था, क्या अल्लाह को सब कुछ पता है? अल्लाह को सब कुछ पता है, ठीक है ना? देखिये मजाक मस्ती की बात नहीं है, दिस इज एग्जाम। आपको आप सारे देखिये मुसलमान है, आप एक मिनट सारे मुस्लिम। जी जी बोलिए 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 जी जी बोलिए। अभी जो स्पेसिफिक सवाल किया गया है ना, इसमें क्या एग्जाम है? अल्लाह को ये मालूम भी है कि मेरे बंदे नहीं, मैंने उस सेंस में एग्जाम का वर्ड यूज नहीं किया। नहीं रुको ना, थोड़ा यार थोड़ा रुको ना। अच्छा जी बोलिए 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 जी बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ताहिर भाई ने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा आपसे। देखो अल्लाह को मालूम भी है कि मेरे जो बंदे हैं वो 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 5 टाइम भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लोग नहीं पढ़ते हैं जी। लेकिन मूसा को पता है, ठीक है, कि ये 50 टाइम की नहीं पढ़ेंगे जी। क्या अल्लाह को पता था कि ये 50 टाइम की नमाज जो है नहीं पढ़ेंगे और मुझे एट द एंड 5 टाइम की इसको करना है? बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल उनको पता था। हाँ तो क्या खेल कर रहा था अल्लाह? नहीं नहीं नहीं। तो क्या था, क्यों किया फिर 50 से 5 क्यों किया, 50 क्यों बोला पहले? इसमें से बहुत सारे आंसर हमें मिलते हैं। सबसे पहले अल्लाह के, हाँ अच्छा, सबसे पहले अल्लाह के रहमान होने की जो जो वो सिफत है ना, वो हमें पता चलती है कि अल्लाह की जो रहमत है वो हर चीज पे गालिब है। दूसरे अपने अपने जो महबूब की लाज रखना, दुनिया को दिखाना कि ये मेरा महबूब है, मैंने इसके इसके वो रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ से यहाँ तक लेकर आया, ठीक है ना? एक ये भी फैक्टर वहां पे मिलता है। क्यों है अल्लाह मनवाने के लिए यार, इतना उतावला क्यों है अल्लाह मनवाने के लिए? उतावलेपन की, उतावलेपन की कोई बात नहीं बनती यहाँ पे। मुस्लिम मुस्लिम 009 साहब, आपको लगता है कि आपका जवाब कन्विंसिंग है, लॉजिकल है, आपको लग रहा है? भाई अल्लाह के जो सिफत है रहमान होने की, आप भी एक्स मुस्लिम थे ना, आपने भी पढ़े होंगे जो इतने आप वो सवाल उठाते हो, क्योंकि आपको बेस पता है इस्लाम की, तो आपको ये भी पता होगा अल्लाह की सिफत। एक मिनट, अगर अल्लाह की सिफत रहमान होने की होती, रहीम होने की होती ना भाई, तो दुनिया में है ना कोई बच्ची का रेप नहीं होता। देखें ये कोई भी पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट नहीं है कि दुनिया में कोई भी वो बुराई नहीं होगी। जो तो बुराई देखें, जो बुराई रहमान माफी के लिए है, वो जितना रेपिस्ट है उसको भी रिज़क देता है उसका अल्लाह को। आप लोग अल्लाह के यहाँ पे एतराज उठा रहे हो, अभी अभी स्ट्रीमिंग के बाद जाके आप आराम से खाना खा लोगे, आप अल्लाह आपको भी रिज़क दे रहा है। नहीं नहीं अल्लाह, अरे क्यों झूठ बात है, क्यों झूठ बात है? जो मर्डर बंदा होता है उसको भी खाना भी मिलता है, जिंदा भी है, सेहत भी है उसके पास। अरे थोड़ा रुको यार मुस्लिम भाई। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ एक मिनट टाइम पर मैं एक पॉइंट रख दूं, आप ये कह रहे हैं कि उसको भी रिजल्ट देता है, अगर वो जेल में चला गया, वो एक यानी समझो कि अमीर इंसान है तो उसको तो रिजल्ट मिल जाएगा। दुनिया में कई ऐसे सारे लोग हैं, आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पे जाके देखिएगा, कई सारे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, रिजक नहीं मिलता है उनको। कई सारे लोग मर जाते हैं, रिजक नहीं मिलता है उनको। क्यों क्यों झूठ बात करते हो यार आप? क्यों देखें, क्योंकि इसमें इसमें सिर्फ अल्लाह के ऊपर आप नहीं डाल सकते, इसमें इंसानों की भी करतूत है, ठीक है? अच्छा। अल्लाह ने अच्छे और बुराई की इख्तियार इंसान को दिया है। आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, ये एक, तो मानते हैं ना, एक मिनट, ये तो मान रहे हैं आप कि हर किसी को रिस्क नहीं मिलता है, ये मानते हैं आप? हाँ लोग भूखे मर जाते हैं, लोग बिल्कुल
लोग भूखे सोते हैं। तो अल्लाह का ये दावा जो है कि मैं सबको रिस्क देता हूँ, जितने लोग जमीन पे चल रहे रिस्क देता हूँ, अल्लाह का ये दावा जो है ये फेल हो गया। नहीं फेल हुआ कैसे? ऐसे कि देखिए अल्लाह का काम है रिजक देना, ठीक है, अब रिजक वो कैसे पहुंचना है उसके फिर डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक एक बंदा, बताइए, अच्छा मुझे एक एक बताइए, एक छोटा छोटा सा सवाल है मेरा, मैं आप इस भी पे एक मुस्लिम आपको थे। पहले सवाल तो कर लूँ ना अच्छा आपके चले ठीक रिस्क है के ठीक है, ऊपर। हाँ ठीक है ठीक हाँ है ठीक है, पूछिए पूछिए। अच्छा, अगर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है, कि मैं जी मेरे घर वालों को रिस्क दूंगा, खाना दूंगा ठीक है किसी भी हाल ठीक में, है ठीक है, और इन ठीक है केस मैं अपने घर वालों को खाना नहीं खिला पाया, भूखा सुला दिया उनको, ठीक है, जी किसी भी वजह जी से, जी क्या 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 मुझ पे ये चीज नहीं आएगी कि मैं रिस्क देने में फेल हुआ? बिल्कुल आएगी, आपके ऊपर आएगी हाँ, तो जब जब अल्लाह ये दावा कर रहा है, ये वादा कर रहा जी। है कि वो जितने लोग दुनिया में चल रहे हैं वो सबको रिस्क देता है, और इसके जी बावजूद अगर लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह अपने दावे में फेल हुआ है, ये क्यों आप लोग कबूल नहीं करते? हम नहीं कर सकते इसको फेल, हाँ वो आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं कबूल जी कर सकता, हाँ, क्यों नहीं हम क्यों नहीं कबूल कर इसको सकते? कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम आपको पता ही है, हम ये बात नहीं मानते कि अल्लाह के ऊपर हम कोई वो इल्जाम लगाएं या अल्लाह के ऊपर हम यही कोई सबसे ऐसी बड़ा प्रॉब्लम है ना, यही सबसे बड़ा यही तो यही सबसे पॉइंट बड़ा है प्रॉब्लम है, इस्लाम का मेन पॉइंट ही यही है, सबमिशन टू हमको भी गॉड, मालूम है। ठीक है जी। आपको भी पता है, आपको भी पता है, एग्जैक्टली देखिए राजिक जो है वो बेशक राजिक है, आप इंसानों के बारे में पॉइंट उठा रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एक पॉइंट ये बताता हूँ कि आप जानवरों में देखें, ठीक है ना, जानवरों को उनके एग्जैक्ट टाइम पे ही मिलता है, ठीक है ना, इंसानों एग्जैक्ट को टाइम क्यों पर नहीं मिलता, मिलता है। क्योंकि क्या इंसानों क्या का क्या क्या, मामला एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किसने कहा आपको जानवरों को टाइम टू टाइम खाना मिलता है? किसने क्यों कहा नहीं जानवर मिलता, भूखे नहीं मर? ओ भाई जानवर भी भूखे, भाई बात सुने मेरी, दुनिया का हाँ, एक निजाम होता है, अल्लाह ने कोई चीजें इंसान को सबक सिखाने के लिए उसके अरे नॉलेज यार में इजाफे के लिए दिखा देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ अगर रुक आप जाओ, इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों के मैं लिए अल्लाह का जो एक मामला है वो डिफरेंट है मिनट एक मिनट एक मिनट मुस्लिम साहब, एक मिनट रुकिए। जी। सबसे पहले तो ये बोलिए कि आपको इस बात का इल्म है या नहीं है कि जानवर भी भूखे मरते हैं? बिल्कुल है, हाँ, तो और क्यों मर आप ये कह जाते हैं, रहे हैं कि, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जानवरों को अल्लाह रिस्क पहुंचाता है टाइम टू टाइम? देखे हम, मैंने आपको पहले भी बोला था कि दुनिया में हम जो मेजॉरिटी सिनारियोज होते हैं हम उनको देखते हैं, ठीक है ना, क्यों मेजोरिटी, अगर आप एक क्यों इंसान की मेजोरिटी? बात करेंगे, अगर एक जानवर की बात करेंगे, ठीक है ना, एक तो जानवर उस की बात एक नहीं हो रही है भाई, कई सारे जानवर बिना भूखे मर जाते हैं, बिना बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। किसने कहा आपको ये एक जानवर की बात हो रही है? मैंने भी आपको बोला भाईजान, मैं आपकी बात से इनकार नहीं वो कर रहा, इंसानों में और जानवरों में सेम ये होता है कि भूखे भी सो जाते हैं, वो भूखे वो मर भी जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ, इसका तो मतलब ये रिस्क कैसे, हरगिज नहीं कहाँ पहुंचा बनता, अल्लाह ने, इसका रिस्क मतलब कहाँ ये पहुंचाया हरगिज नहीं अल्लाह ने? बनता कि अल्लाह राजिक नहीं है, अल्लाह राजिक ही है, अल्लाह के रिजक यार पहुंचाने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। अब एक मैं रुक आपको जाओ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका पड़ोसी है, हमें इस्लाम हुक्म ये देता है ना कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपने खाना खाया है तो अल्लाह आपसे पूछेगा कि मैंने तुम्हारे खाते में ज्यादा रिज़्क दिया, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने जो पड़ोसी भाई है उसको थोड़ा सा दे दो, अच्छा नहीं ठीक है दिया ना उसने, और वो एक मिनट उसने नहीं दिया, ठीक है, जी और वो बाजू जी वाला भूखा मर गया, तो उसके जी नहीं देने पे अल्लाह को उस तक रिस्क पहुंचाना चाहिए था ना दूसरे तरीके से, अगर वो अल्लाह वाकई अल्लाह में तो राजी पहुंचाता है। ही है रिजक, अल्लाह अल्लाह कहाँ पहुंचाता पहुंचाया ही है रिजक, वो तो भूखा मर गया ना भाई, कहाँ पहुंचाया वो तो भूखा मर देखिए गया, उसके उससे पीछे काफी रीजंस भी तो हो सकते हैं ना, रीजन कुछ हम भी हो इंसानों की भाई। सोचा, हम इंसानों के माशरे में रहते हैं, हम यहीं पे मुस्लिम देखते जीरो हैं जीरो नाइन एक मिनट रुको, कि रीजन कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, एंड रिजल्ट ये है कि वो इंसान जो है भूखा मर गया, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं और लोगों ने भी आपको सुना देखा। जरा मुझे जी दो तीन सुपर चैट में ले लूं, और उसके बाद एक जो हदीस हमारे ठीक है सामने है उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर मैं किसी और को मौका देता हूँ। काफी ठीक देश है भाई कह ठीक रहे है हैं,
YouTube की आयत है, जो लाइक नहीं करते वही जालिम है, जो सब्सक्राइब नहीं करते वही मुजरिम है। गाइस डू लाइक शेयर एंड कंट्रीब्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डोंट अंडर एस्टिमेट, कह रहे हैं वो रेप को इनकरेज कर रहा, रेपिस्ट को माफ करके। बिल्कुल, अगर वो कहां पे रेप को इनकरेज कर रहा है, ये गलत उनका वो इसके लिए इनकरेज कर रहा है, वो हम इस हदीस में देखेंगे, आप थोड़ा रुक जाइए। टीडी जी ने $50 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया टीडी साहब आपके कंट्रीब्यूशन का। कह रहे फ्री अरबिक इंग्लिश बुक ऑन सेक्स वुमेन जिहाद अदर टॉपिक्स बेस्ड 100% ऑन इस्लामिक टेक्स्ट, प्लीज विजिट साइट ऑफ अर्नब मुबशिर। दोस्तों ये एक मैसेज है, आप लोग अर्नब मुबशिर का शायद कोई वेबसाइट है, आप लोग जरूर जाए देखे, मैं भी बाद में कोशिश करूंगा। टीडी जी आप एक काम करिएगा, अगर आप लिंक ईमेल कर दे तो मैं वो देख भी लूँ, और वाकई में उसमें अच्छा कंटेंट हो तो मैं फिर उसको शेयर भी कर दूंगा। अच्छा मुस्लिम 09009 साहब एक हदीस है, मरकब माल तदान सवाज एप्लीकेशन, एक्सक्यूज मी एक दोस्त है, हां मरकब माल तदान से देश दानी अफगानी सोशल सही था, ठीक है ओके, और देख कस्टमर 40 से ज्यादा 40 से बत्ती मरवाले खबर हो रहा आपको पता है हम वो गल्फ में रहते हैं तो दोस्त लोग होते हैं साथ में शेयरिंग में रहते हैं, तो दोस्त ने एक बात करनी थी। जी जी बोलिए। हम तो चाहेंगे कि आप जो है अपनी जो भी आप काम कर रहे इतना उसमें आपको तरक्की मिले कि आपका खुद का बंगला हो गाड़ी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जी। अच्छा ये हमारे सामने हदीस एक है मुस्लिम 009 साहब, हमारे एडम साहब ने ये शेयर की है, जी जी सालिकिन का हवाला है, हदीस नंबर 423, बल्कि मुस्लिम में भी है शायद, इसके लिए नीचे मुस्लिम का भी हवाला दिया गया है, sunna.com से हदीस ली गई है जी। बिल्कुल, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वर यू नॉट to commit sins, अगर तुम जी जी बिल्कुल गुनाह करना छोड़ दोगे या नहीं करोगे, अल्लाह would create people, अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा who would commit sins, जो गुनाह करेंगे and ask for forgiveness, और माफी मांगेंगे अपने गुनाहों की, and he would forgive them, और वो उनको माफ कर देगा। जी जी बिल्कुल, चाहता है कि लोग गुनाह करें, क्या खुशी मिल रही है अल्लाह को, चाहता तो नहीं है कि वो करें, वो करें, वो देखिए वो चाहता नहीं है कि वो करें। अच्छा मैं आपको भी बताता हूँ कि मैंने क्यों ये बात की है। देखिए अल्लाह की जो रहमान और रहीम की जो सिफत है ना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो दुनिया में हर चीज पे गालिब है, मीन्स के उनके ऊपर है, ठीक है ना। अल्लाह चाहता है कि उसके जो बंदे हैं उनसे ऐसी वो जो मिस्टेक्स है वो हो जाएं, और हो जाए, अल्लाह चाहता है जी, अल्लाह चाहता है ना, अल्लाह चाहता है ना गुनाह करे, क्यों हो जाए वो देखे ना, ताकि वो माफ, तो माफी का फैक्टर आप देखें यहाँ पे, अल्लाह इंसान के लिए जो माफी का फैक्टर दे रहा है ना उसमें अपनी जो सिफत, हाँ तो फिर माफ भी तो करता है ना। जी एक मिनट, एग्जैक्टली जो सुपर चैट वो भाई ने भेजा था, डोंट अंडर एस्टिमेट जी, कि अल्लाह जो है रेप को इनकरेज कर रहा है, माफ क्योंकि वो माफ करता है। देखिए यहाँ आपने खुद अल्लाह को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया है, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह चाहता है कि लोग गुनाह करे, लोग झूठ बोले, लोग डाका डाले, लोग जो है वो जिना करे, ताकि फिर वो बाद में जिना करने के बाद अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह माफ कर दे। आपने खुद कहा अल्लाह चाहता है, बिल्कुल यहाँ पे अल्लाह कहता है कि मुझे तुम जितने भी तुम्हारे जो मिस्टेक्स हैं वो इतने हो जाए कि आसमान की बुलंदी को छू जाए, तुम मेरे पास आओ और माफी मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। एग्जैक्टली अल्लाह चाह रहा है, मेरे और आपके ओपिनियन में डिफरेंस यहीं पर आ जाता है कि आप उस पॉइंट को उठा रहे हैं कि जिसके बैक पे हमारा जो रब है वो कुछ और मैसेज देना चाह रहा है। नहीं, ठीक है, हमें मैसेज आ गया भाई, एक मिनट, ताहिर भाई आप ऐड करें फिर हम दूसरे को मौका देंगे, मैसेज आ गया। हाँ, साहिल भाई
सपोज मैं एक शौहर हूँ और मेरी बीवी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी जो है वो खराब खाना पकाए ताकि वो मेरे पास आए और मैं उसको मतलब माफ करूं, आके माफी मांगे कि मुझसे गलती हो गई और मैं माफ करूं, इसमें थोड़ा सा साइको टाइप का नहीं लग रहा हूँ मैं? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं ऐसा एग्जाम्पल दो ताहिर भाई के भाई आप ताहिर भाई रुको रुको मुस्लिम 09 साहब रुक जाओ रुक जाओ जी 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 बोलिए 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 हाँ ताहिर भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं इनको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ताहिर भाई छोड़ दो एक एक्स वाई जेड है वो चाहता है कि उसकी बीवी जो है ना वो बाहर किसी के साथ जो है वो संबंध बनाए ठीक है दूसरे मर्दों को देखे और उसके बाद आपसे माफी मांगे और आप उसको माफ कर दे बस आपको उसकी माफी से ज्यादा मोहब्बत है कि वो माफ कर दे इसलिए आप चाहते हो वो जाके बाहर भी किधर जाकर किसी और को देखे और डेट पे जाए सब करे और एट द एंड आपसे आके माफी मांगे करेक्ट 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 ये आपको कैसा लगता है ये कुछ साइको जैसा ये कुछ नहीं लगता आपको देख के साइकोटिक बिहेवियर ऐसा ये आप ये साइको मैं आपको बार बार एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि खालिक और मखलूक में फर्क है वो इन्हीं चीजों का है साइको टाइप थिंग्स ये खाना बनाना ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये सर 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 एक मिनट खालिक में नहीं सर 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 आपके ही हदीस के अंदर में यानी कि जो हदीसें हैं सही हदीस उसके अंदर में ये कहा गया है कि अल्लाह तुमसे 70 माओं की तरह प्यार करता खुद ही कंपेयर किया गया है मखलूक से अल्लाह को बिल्कुल अल्लाह को खुद ही कंपेयर किया गया रसूल अल्लाह ने कंपेयर किया है ना तो हम भी समझाने के लिए कर रहे हैं सर हम भी इंसान को समझाने के लिए ही कंपैरिजन दे रहे हैं अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं कंपेयर करने अल्लाह जी जी अल्लाह इंसान को अगर समझा रहा है या इंसान अल्लाह को समझा रहा है इसमें भी फर्क है आप ये भी देखें वो तो रसूल अल्लाह समझा रहे हैं हदीस में तो रसूल अल्लाह समझा रहे ना हमें अल्लाह नहीं आके समझा रहा है जी 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 तो जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तो रसूलुल्लाह के अल्फाज तो अल्लाह के ही अल्फाज है ना जी उनके एक एक चले जी साहिल भाई नहीं अगर मेरा टाइम एक मिनट रसूलुल्लाह के अल्फाज ही अल्लाह के अल्फाज है तो जब अल्लाह के रसूल जो है वो आखिरी सांसें ले रहे थे और उन्होंने हजरत उमर से या जो भी लोग मौजूद थे उनसे पेपर और कलम मंगवाया तो क्यों मना कर दिया हजरत उमर ने वो तो उनकी हालत देख के उनको बोला था कि अल्लाह के रसूल आप इतने बीमार हैं आपके हाँ। जो तीन रोज उनकी जो हालत नजा थी जब उनकी सांस निकल रही थी वो तीन रोज तक उनकी वो हालत थी हुजूर अच्छा, सल्लम की बताइए तो आवाज तो अल्लाह ही की आ रही थी ना अंदर से हाँ। अल्लाह ही की बात आ रही थी ना वो बीमार भी थे तो क्या हुआ अल्लाह ही की बात निकल रही थी अंदर से तो थे तो इंसान ही तो थे तो इंसान ही तो उनकी हालत को देख के हजरत उमर ने कहा था रुको यार एक मिनट रुको यार मुस्लिम जीरो ने सब कसम यार, से इतनी यार कॉमन सेंस आप लोग आपको कॉमन सेंस आपको समझ नहीं आती दो चीज है इसमें सुनिए सुनिए एक तो ये चीज कि आपने खुद कहा है कि रसूल की जो बात है वो अल्लाह की बात है बिल्कुल इंसान चाहे वो ऐसा इंसान जो अल्लाह की ही बात करता है चाहे वो बीमार है आखिरी वक्त है कुछ भी है वो बात करने वाला था अल्लाह की तो उसको रोकना उनको नहीं चाहिए था दूसरा प्रॉब्लम यह है कि मरने के टाइम पे जाहिर सी बात है जब रसूलुल्लाह कलम और पेपर मंगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात वो बताना चाह रहे हैं वसीयत करना चाह रहे हैं और हजरत उमर साहब ने रोक दिया ये अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी है देखिए आप लोग उसको इंसल्ट के सेंस में लेते हैं हमारे इस पे वैसे इस पे उम्मत में काफी इख्तिलाफ है आधे से ज्यादा लोग कहते हैं जो है ना रसूल अल्लाह ने भी उसको इंसल्ट के तौर पे ही लिया है आगे की जो हदीस है उसमें रसूल अल्लाह ने कहा है कि तुम लोग यहाँ बाहर निकलो मेरी दिमागी हालत अभी भी तुम लोगों से ज्यादा बेहतर जी वो हदीस मैंने पढ़ी है वो बिल्कुल वो मुझे पता है इसमें उम्मत में काफी इख्तिलाफ है काफी लोग जो है वो कहते हैं कि हजरत उमर ने सही नहीं किया उनको वो बात जो है वो उनको जो पेपर था जो पेन था उनको चाहिए था हुजूर सल्लम को वो लाके दे देना चाहिए था उनको ताकि वो ऐसी बात हमारे पास छोड़ के जाते एक तो ये है कि उनकी राइटिंग हमारे पास रह जाती एज अ प्रूफ एज अ पेपर और दूसरी बात ये कि वो आप समझते हैं कि तो फिर अगर ये गुस्ताखी और जाहिर सी बात गुस्ताखी देखे गुस्ताखी हजरत उमर ने अच्छा जी बोलिए अच्छा बोलिए 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 जी एतराज पे जवाब दीजिए प्लीज आप जलेबी ना बनाए ये यकीनी तौर पे हर सेंस से तो मैं तो वही कह रहा था आपको हाँ तो रुको ना मेरा सवाल तो सुन लो यकीनी तौर अच्छा, पे आपका भी रहता है ठीक है हाँ यकीनी तौर पे ये रसूलुल्लाह साहब की
शदीद गुस्ताखी है हजरत उमर या जिसने भी किया है जितने लोग वहाँ मौजूद थे, तो और अगर ये गुस्ताखी है तो क्या हजरत उमर और जितने लोग वहाँ मौजूद थे सबकी गर्दन उड़ानी चाहिए थी या नहीं उड़ानी चाहिए थी गुस्ताखी के यानी गुनाह में जुर्म में? जी जनाब। अच्छा देखें, बुखारी शरीफ जब शुरू होती है ना तो पहली नंबर की हदीस है कि अमाल का दार मदार नीयतों पर है। हजरत उमर ने जो बात की है सबसे पहले तो उनको पता है और अल्लाह जानता है कि उनकी नीयत क्या थी, ठीक है। जो जो बज़ाहिर तौर पे, क्योंकि ना मैं था उस जमाने में ना आप थे, ठीक है, कोई भी बंदा नहीं था, हमें ये वाक्य बुखारी शरीफ से पता चला। उनके जो बिहेवियर सबसे पहली बात, अरे रुक जाइए, आपका पॉइंट आ गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता उनकी नीयत वैसी नहीं थी, ठीक है। हाँ तो जिस तरह उनकी जिंदगी थी हम उस पे श्योर हैं कि उनकी नीयत वो नहीं होगी कि वो इंसल्ट वो करेंगे। मेरे भाई रुको ना, रुको, आप कह रहे हैं कि नीयत तो अल्लाह जानता है और हो सकता है उनकी नीयत ना हो, इस लिहाज से तो कोई भी ब्लास्फेमर को फिर सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि नीयत तो अल्लाह जानता है, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो फिर क्यों मारते हो यार लोगों को गुस्ताखी के ऊपर, क्यों चाहते हो कि हमें हम भाई केस हो जाए? ब्लास्फेमर को मारना स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है और स्टेट उसको प्रूफ के बाद ही मारेगा। हाँ भाई, और प्रूफ मारेगा ना, लेकिन अरे भाई मारेगा ना, लेकिन एट द एंड तो मारेगा ना, एंड रिजल्ट क्यों नहीं देखते? हाँ तो ब्लास्फेमी की है भाई। हाँ तो उमर और जब उसके साबित हो जाए उमर हाँ तो जब उसके उमर साहब पे साबित हुई है मुकदमा चलाया मुकदमा किसने साबित किया है उन पे? देखिए हजरत अबू बकर जिंदा थे, उमर करे, वही कह रहा हूँ ना कि क्यों मुकदमा नहीं चलाया? ऐसे तो बात क्योंकि वो तलवारें निकल जाती है अल्लाह के रसूल, क्योंकि वो थी नहीं। जब सुनो मेरे भाई जी, सुनो, ऐसे तो बार बार पे तलवारें निकल जाती थी अल्लाह के रसूल, आप कह दो अभी इसकी गर्दन उतार दूंगा मैं। अरे साहिल भाई एक वो मेटाफोरिकली यूज होता था, वो मेटाफोरिकली यूज होता था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी मोहब्बत और वो शिद्दत दिखाते थे कि इस बंदे ने कुछ ऐसा किया है, आप हमें हुक्म दो हम उनको मार भी देंगे, वो मेटाफोरिकली यूज होता है। साहिल भाई होता था। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि एक रिवायत शायद इन्होंने भी एक रिवायत पढ़ी होगी कि एक शख्स गया था रसूल अल्लाह के पास फैसले के लिए, उन्होंने उसके यहूदी के हक में फैसला दे दिया, फिर वो दूसरे अबू बकर के पास गया तो उन्होंने भी यहूदी के हक में फैसला दे दिया, फिर वो आया उमर के पास में तो उमर ने कुछ नहीं सुना, सीधे तलवार निकाला और गर्दन उड़ा दी। आपने पढ़ी है कि नहीं ये हदीस? नहीं, वो मेटाफोर में उड़ाई है गर्दन, वो ये कौन सी हदीस है मुझे जरा बताएं, मुझे आई एम सॉरी इसका मुझे नहीं पता। हाँ अभी एडम भाई हैं क्या? मेरे ख्याल से उनको उसकी रेफरेंस मशहूर हदीस है। हाँ उसमें जब उमर मुझे एक वो यहूदी का जो वाकया जो मैं जानता हूँ वो ऐसा था कि मदीना में एक जो मुस्लिम था उसने एक यहूदी को मुक्का मारा था, वो इस बात पे कि यहूदी ने बोला था कि हजरत मूसा की जो उनका जो दर्जा है वो हमारे हुजूर से ऊपर है, तो इस बात पे वो मुसलमान को वो गुस्सा आ गया था और उसने उसको मार दिया था। वो मुख्तलिफ, मतलब वो मुक्का मारा था। हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, ये जो हजरत उमर ने उनकी गर्दन उड़ाई है इसके बाद में के मतलब हजरत अबू बकर ने और हुजूर सल्लम ने ये फैसला दिया है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं अपने नॉलेज के बगैर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अच्छा ओके चलिए, होगी तो मुझे बता दे और मेरी भी स्टडी में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। लेकिन आप जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं गर्दन उड़ा दूंगा वो हम भी कहते हैं कि मैं नोच के खा जाऊंगा उसको, मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा उसके, तो क्या हम लिटरली करते हैं ऐसा? नहीं किया, देखिए आपके मुसलमानों ने किया है, ये मुसलमानों ने किया है, मुसलमान भी इंसान है। नहीं मुसलमान नॉलेज लेस नॉलेज की बेस पे हमसे भी हरकतें होती हैं भाई रुको, आप जज नहीं कर सकते इस बेस पे। अरे मैं आप मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके नबी साहबाओं ने किया है, कई लोगों की गर्दने उड़ाई है, लेकिन उनमें होगा कोई ऐसा। साहिल भाई, उमर फारूक को इसलिए छोड़ा क्योंकि उस बंदे ने थोड़ा लॉजिकल काम किया ना, क्योंकि वैसे भी एक अनपढ़ आदमी को
कागज और कलम देने का क्या फायदा जब वो कुछ लिख ही नहीं सकता। ये भी बात सही है यार। नहीं ये पॉइंट नहीं है, लिखने के लिए सहाबा भी थे, लिखने के लिए सहाबा भी थे, अगर वो बोलते तो सहाबा लिख लेते। कुछ समझाना चाहते हो, कोई निशान बना देते, कुछ समझाना चाहते हो, लेकिन उमर फारूक ने कागज कलम नहीं दिया तो ये एक तरह की नहीं, इंसल्ट के और उनकी इंसल्ट की कैटेगरी में, इंसल्ट की कैटेगरी में ये बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने हुजूर से सलाम की हालत देख के ये बोला था कि आपकी हालत इंतहाई नाजुक है, आप यहाँ पे आराम कीजिए। उन्होंने सिर्फ इस नियत से कहा था, बाद में उम्मत ने उस हदीस का ऐसा मतलब जो उमर के मुखालिफिन है, हजरत उमर के पेन उठाने में कौन सी हालत खराब हो जाती, लोग बीमार पड़ जाते हैं फिर भी एग्जाम देते हैं तीन तीन घंटा बैठ के, एक पेन उठाने में हालत खराब हो जाती। नहीं नहीं मैं इनको म्यूट किया, आई एम सॉरी मुस्लिम 009 साहब, इनकी बात वाकई में काबिले कबूल इसलिए नहीं है क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाजें भी ऊंची ना करो, सारे तुम्हारे आमाल जो है वो जाया हो जाएंगे। और बात फिर वही रह गई कि आखिरी वक्त में एक इंसान जो है वो जाहिर सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था। खैर ठीक है, मेरे ख्याल से तो हमने मुस्लिम 009 आप लोग देखें, आप लोग इस बात को इस पॉइंट पे आप उसको नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, लेकिन ये जायज नहीं है क्योंकि उमर का जो रुतबा है, उनका जो दर्जा है, वो हुजूर सल्लम ने खुद सेट किया था, उन्होंने खुद जन्नत की बशारत एक बंदे को दी है। मैं बताता हूँ कि कैसे सेट किया था। दो हदीसें ऐसी हैं जो उमर की शान में हुजूर सल्लम ने फरमाई हैं। ओ भाई रुक जाओ। हजरत उमर जो है ना वो जी हजरत सौदा को आवाजें कसे थे उन्होंने, ये मालूम है नहीं मालूम है? हाँ तो उस टाइम वो काफिर थे। हाँ काफिर बे आप कौन सी आवाजों की बात कर रहे हैं? हजरत सौदा जो है वो बेचारी जो है वो दूसरी हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, और वो हदीस भी आपके सामने पेश कर। जी जी बोलिए बोलिए। हजरत सौदा जो है वो बेचारी अपनी जो दूसरी बीवियां थी उनके साथ वो जा रही थी कजाए हाजत के लिए, फारिग होने के लिए। तो हजरत उमर जो है वो रास्ते में अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे, उसको आवाज देते हैं सौदा को, हजरत सौदा को, ए सौदा, ओ सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया है। ये एडम भाई होते तो बहुत अच्छे से बोलते हैं। ओके हाँ एडम बड़ी अच्छी आवाज निकाल के भी बोलता है। तो हजरत उमर साहब का तो ये कैरेक्टर था। तो आगे पूरी बात बोलिए ना, मैंने पहचान लिया, इसके आगे क्या? हाँ पहचान लिया है, जाके 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 रसूल को बोलो के पर्दे का हुक्म लेके आए। हाँ और क्या, ये इतना सुन के भी आपको गलत नहीं लग रहा है? कोई और जनाब पॉइंट हाँ, कोई रास्ते से जा रही है औरत, ठीक है ना, और उसके बाद के पे आप लोग गौर नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये नोट कर रहे हैं। ये भी देखो एक मिनट वो किस लिए जा रही है भाई, वो फारिग होने जा रही है, ठीक है ना, जनाब वो किसके लिए भी जाए, मेरी बहन औरत जिस काम के लिए भी जाए वो पर्दे में जाए, ठीक है ना। हजरत उमर का ये मकसद ये मतलब नहीं था। एक मिनट सब लोग सुन रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस लिए भी जाए वो पर्दे में जाए वरना हम आवाजें कसेंगे? नहीं आवाजें कसने का कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है ना। वो इसलिए हजरत उमर ने क्यों कहा? उमर ने तो इसलिए, भाई जान मेरे, हजरत उमर ने इसीलिए आवाज लगाई कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम पर्दे में क्यों नहीं जा रही, तुम पर्दे में जाओ ताकि औरतों का जो मकाम है वो अपनी जगह पे रहे, वो अपनी औरतों का जो रुतबा है, जो इज्जत है, वो अपनी जगह पे रहे। ओ जनाब एक मिनट अगर हजरत जी सर बोलो, पर्दा करवाने का इतना ही शौक था
तो जाके अलग से घर पे जाके रसूलुल्लाह को नहीं बोल सकते थे हजरत सौदा जो है वो बिना पर्दे के जा रही है, जरा बोलिए पर्दा करने के लिए, रास्ते पे आप आवाज बिल्कुल बोल सकते थे, तो फिर रास्ते में क्यों आवाज दी आपकी बीवी को, आपकी बीवी और बहन को कोई रास्ते में जो लोग ग्रुप बना के खड़े रहते हैं वो आवाज देंगे तो आपको पसंद आएगा सर? किसी को नहीं पसंद आएगा, कोई भी आपकी बहन या माँ को आवाज देगा, तो मुझे आवाज देना पसंद नहीं आ रहा भाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने आपको उस सेंस में बोला है कि मैं उस चीज में से पॉजिटिविटी निकाल रहा हूँ, आप उस चीज में से नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, मैं उसमें से पर्दे का हुक्म निकाल रहा हूँ, आप उसमें से आवाजें लगाने का वो निकाल रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात, ये अमल जो था वो गलत था या नहीं था कि किसी राह चलती औरत को जो पूरे उम्मत की माँ है, एक तरह से वो उमर फारूक की भी माँ हुई, तो अपनी अम्मी जान को जब नेचर कॉलिंग के लिए वो जा रही हैं तो आप उसे टोंट मारते हो, ये कहां तक जाएगी अपनी अम्मी जान को? फैज एक मिनट यार, ताहिर भाई यानी कितने पेसिमिस्टिक है, देखिए ना ये हमारे लेकिन पेसिमिस्टिक ही बोलेंगे ना उसको, एक ऑप्टिमिस्टिक है यार ये, के क्या ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट, इनको उनको वो चीजें नजर ही नहीं आ रही हैं जो बिल्कुल एपेरेंट है, मतलब किसी भी इंसान को नजर आ जा रही है कि हाँ भाई उम्र से ये गलतियां हो रही हैं, लेकिन चूंकि एक रुतबा इनको बताया गया है सुन्नियत में कि हाँ उनका बहुत बड़ा मकाम है, तो वो उसके खिलाफ नहीं सोच पा रहे। लेकिन अभी अगर कोई सिया होता ना तो छूट गाली निकाल देता। हाँ यही तो है, यही तो है, अकीदे की है, अकीदे की है कि किसी शख्सियत को इतना अच्छा बना दिया है कि आपको उसकी बुरी चीजें भी अच्छी लग रही है, ये उसमें से अच्छाइयां निकाल रहा है। फैज एक पॉइंट ये भी है कि आप सोचो कि ये कह रहे हैं कि कोई इनकी घर की औरतों को इस तरीके से आवाज देगा तो ये नहीं पसंद करेंगे, ये खुद अभी इन्होंने कहा है, लेकिन उमर फारूक देंगे तो ये पसंद करेंगे ना, पॉजिटिव अगर सोचे, ऑप्टिमिस्टिक है ना, ये पॉजिटिविटी देखते हैं सब। इन जनाब से पूछिए साहिल भाई कि अगर आपकी उस वक्त अगर आपकी बहन या बेटी या बीवी या जो भी होती अगर उसके साथ उमर फारूक ऐसी हरकत करते तो आपको कैसा लगता? नहीं वो क्योंकि हजरत उमर करते तो ये पॉजिटिव चीज उसमें से निकाल लेते हमारे मुस्लिम 009 साहब। अब मेरा माइक आप लोगों ने बंद कर दिया है और आगे से बोली जा रहे हैं सारे, ये तो अनफेयर है ना। नहीं नहीं आपको असल में मुस्लिम 009 साहब मैंने आपको काफी मौका दे दिया है और लोगों ने आपको ये बात के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरी जी जी बिल्कुल दीजिए मौका दीजिए, मैं बस एक एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा एज अ रिक्वेस्ट आप सबसे कि देखें अगर आप लोगों को सबसे पहले तो ये पॉइंट मैं एक सवाल आप लोगों से उठाना चाहता हूं, अगर आप इस्लाम के दायरे में नहीं आते या आपने इस्लाम छोड़ दिया है, आपने आपकी अपनी मर्जी है, हमारा कोई हक नहीं होता हम आपके ऊपर सवाल उठाएं, लेकिन अगर आप एक काम छोड़ दें तो फिर मेरा एक छोटा सवाल ये बनता है कि फिर आप क्यों इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि ये देखो आपकी ज़हनियत कैसी कर देता है। अच्छा देखो आप देखो कि आपकी ज़हनियत क्या हो गई है, आपका मैंने रीजनिंग पूरा एकदम खत्म हो गया है साहब। जनाब इस हर चीज में इस दुनिया में बीइंग अ ह्यूमन में आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने जो डिस्कशन का स्टार्ट ही किया था मैंने आपको बोला था कि देखें एक चीज होती है खालिक और मखलूक, ठीक है ना, मैं उसी चीज पे दोबारा आना चाहूंगा, एक पॉइंट कहूंगा मैं सिर्फ, कोई पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपके लॉजिक को फुल स्टॉप लग जाता है और वो लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि देयर इज अ लिमिट, ठीक है ना, इंसान की एक हद है, हद से बाहर जाएगा फिर वो बिल्कुल ही हद से निकल जाता है, ठीक है ना, फिर वो जो मुंह में आता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मिर्जा कादियानी की, मिर्जा कादियानी ने क्या किया था, वो जब स्टार्ट में था वो बहुत अच्छा मुस्लिम था, वो बहुत अच्छा मुस्लिम था, लेकिन उसके अपने अपने बिहाफ पे उसके कुछ ऐसे एक्शन थे कि उनको ये लगने लगा कि मैं ही वो महदी हूँ, ठीक है ना, फिर उन्होंने उस चीज को इतना आगे लेकर गए। तो नबी को लगा ना भाई, नबी को ऐसा कुछ भी नहीं लगा, नबी के पास प्रॉपर अल्लाह की तरफ से वो नबूवत आई है, नबी ने अपनी तरफ से पता चला। आपको कैसे पता चला भाई जान? पूरी दुनिया को पता है, आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के स्क्रिप्चर्स में
एक मिनट रुको यार। आपसे ज्यादा लोग ये चीज को मानते हैं कि जीसस जो है वो खुदा के बेटे हैं, वो भी खुदा है। आप उसको सही थोड़ी ना समझते, पूरी दुनिया को सही लगने से वो चीज सही नहीं हो जाती ना, पूरी वो नहीं है, वो नहीं है सही। एग्जैक्टली मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको किसने बताया कि ये हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह ने नबुवत दी है? किसने बताया? अल्लाह ने बताया। ये बात आपको किसने बताई? अल्लाह ने बताई है जी, वो कुरान में है। अरे आपको किसने बताई? हमने तो पढ़ी है भाई, जो कुरान में पढ़ी है, हमारे आलिम लोग हैं, हमारे मस्जिदों में, हमारे घरों में। ये एक मिनट, ये कुरान अल्लाह ने भेजा है, ये कैसा मालूम पड़ा आपको? अच्छा, अगर अल्लाह ने फिर नहीं भेजा तो कहां से आया ये कुरान? अरे हद है यार, ये सवाल ही नहीं होता ना कि कहां से आया। हमारे पास सामने बुक पड़ी है भाई, सामने बुक पड़ी है पूरी। मैं भी एक बुक लिख के बोल दूंगा। रुको, मैं भी एक बुक लिख के बोल दूंगा ये खुदा की तरफ से मेरे पास आई है, तो क्या मान लोगे? उसमें कुछ वो दलीलें होंगी, उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो इंसान की अकल से ऊपर होंगी, उसमें कुछ ऐसी जमाने की डिस्कशंस होंगी। मतलब तो अकल से ऊपर, एक मिनट, अकल से ऊपर होंगी मतलब बेअकल बातें होनी चाहिए उसमें? नहीं, इंसान की हैसियत से बाहर होंगी वो, इंसान की हैसियत से बाहर होंगी। इंसान बेअकल नहीं, आप भाईजान, बेअकल बातों का मतलब ये है कि इंसान वो लिख ही नहीं सकता। बेअकल बातों का मतलब ये है कि वो इंसान नहीं लिख सकता, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही लिख सकती है। क्या कौन सी ऐसी बात है कुरान में? चूटी चूटी जो है वो ये बातें कर रही है कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है। अरे चूटियों की जमात, भागो यहाँ से, छुपो जल्दी। ये ऐसी बेअकल बातें होनी चाहिए? और अल्लाह को हम औरतों से इतनी खुनस क्यों है? हाँ, कम अकल बता दे, गवाही आदि कर दे, ये ऐसी बेअकल बातें होनी चाहिए? और अपने शोहर के जख्म का वो जो गंदगी टपक, हाँ, वो भी अपनी जुबान चाटने ले, चाटने की। हाँ, तो इतने खुनस क्यों हम औरतों से? सॉरी, औरतों से तो हमें कोई इतराज नहीं है, आपको नहीं, अल्लाह को है। अल्लाह अल्लाह को है, बनाया है, हम उसकी रिस्पेक्ट हम करते हैं। आप भी कम अकल मानते हैं कि नहीं मानते अल्लाह को? सॉरी, अल्लाह बोल रहा हूँ, अल्लाह तो है ही अपना, ये अपना। औरतों को आप कम अकल मानते हैं या नहीं मानते? मुस्लिम 009 साहब, आप भी औरतों को कम अकल मानते हैं?